भाई मुझे इतने साल हो गए हैं एक्सरसाइज करते हुए, लेकिन अभी भी मेरा मसल एंड माइंड कनेक्शन डेवलप नहीं हो पा रहा है। ऐसा मैं क्या करूं, कौन सी एक्सरसाइज करूं, कौन सा खाना खाऊं या कौन सी दवाई लूं जिससे मेरा मसल एंड माइंड कनेक्शन बन जाए, भाई बता दो प्लीज़। आप भी यही सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो ना? अगर ये सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो तो आज बिल्कुल सही वीडियो पे आप लैंड हुए हो, क्योंकि आज मैं आपको मसल एंड माइंड कनेक्शन से जुड़ी हुई सारी बातें बताऊंगा जो आप गलत कर रहे हो, और सही टेक्निक बताऊंगा जिससे आप बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करना, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना इस तरह के और कौन से वीडियोस हैं अतरंगी से जो आप देखना चाहते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट। सो पहली मिस्टेक आप जो करते हो ना, वो है नॉट मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी इन योर ट्रेनिंग। क्या मतलब है इसका? मतलब आप जो ट्रेनिंग कर रहे हो, जिम के अंदर जाके एक्सरसाइज कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, उसमें कंसिस्टेंसी तो है ही नहीं। मतलब एक महीना ट्रेनिंग करते हो, उसके बाद फिर 10 दिन का 15 दिन का गैप मार लेते हो, 3 महीने ट्रेनिंग करते हो, फिर 1 महीना कहीं छुट्टी में चले जाते हो और भूल जाते हो ट्रेनिंग को, फिर वापस आते हो, फिर कहते हो क्या किया था मैंने पहले महीने में। अगर आप ये करते हो ना, तो ऐसा बिल्कुल मत करो, क्योंकि हमारे जो मसल्स होते हैं ना, उसमें न्यूरल एक्टिवेशन होता है। मतलब समझ रहे हो, ये जो हमारा जो दिमाग है और स्पाइन है, स्पाइनल कॉर्ड, उससे हमारे पूरी बॉडी जुड़ी हुई है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जरिए, ठीक है, CNS एंड PNS, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका स्पाइन और आपका ब्रेन आपकी बॉडी से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS के जरिए जुड़ा हुआ है। अब आपके मसल पे जो जो तरंगे पहुंचती हैं कि एक्शन करो, काम करो, वो न्यूरल एक्टिवेशन के जरिए हो रहा है, ठीक है। अब न्यूरल एक्टिवेशन का सही मतलब है कि मसल एंड माइंड कनेक्शन, ठीक है। आप जब गाड़ी चलाना सीखते हो, कार चलाना सीखते हो, तो एक बार आपने गाड़ी चलाना सीख लिया तो उसको परफेक्ट करने के लिए आपको कंटिन्यूसली ड्राइव करता रहना पड़ेगा, नहीं तो आप कुछ ना कुछ चीज़ें भूलते रहोगे, वो कनेक्शन आपका छूट जाएगा। लेकिन आपकी मसल मेमोरी होगी, अगर आप ट्रेनिंग में वापस आओगे या गाड़ी में बैठोगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा चाबी यहाँ जाती है, स्टेयरिंग ऐसे पकड़ते हैं, फिर एक्सेलेटर ऐसे देते हैं। तो उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। सो प्रैक्टिस हर उस चीज़ में चाहिए जो आपको लगातार करनी होती है, इसमें आपको परफेक्ट बनना है। मसल कोऑर्डिनेशन, F1 रेस वाले जो रेसिंग कार चलाते हैं, वो लगातार प्रैक्टिस क्यों करते हैं? मतलब एक बार चलाना उन्होंने सीख लिया, उसके बाद 2 साल बाद चलाएं? ऐसा नहीं करते, वो लगातार वो हर दिन प्रैक्टिस करते हैं कुछ ना कुछ, ताकि वो मेंटेन रहे और मसल एंड माइंड कनेक्शन उनका बना रहे और वो ज़्यादा परफेक्ट हो उन मूवमेंट्स में। सो यही चीज़ अप्लाई करती है आपकी ट्रेनिंग में भी। कंसिस्टेंसी रखो। अगर आप हफ्ते में ट्रेनिंग कर रहे हो, तो कम से कम 3 दिन के बाद, अगर आप 1 दिन का गैप ले रहे हो, 2 दिन का गैप ले रहे हो, तो उसके बाद वापस ट्रेनिंग में आओ। बॉडी को, मसल को रिकवरी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं चाहिए कि 10 दिन का गैप दे दिया आपने, ठीक है। सो ट्रेनिंग डिमांड्स कंसिस्टेंसी, और यही सबसे बड़ा रीज़न है आपके मसल एंड माइंड कनेक्शन का डेवलप ना कर पाने का, ठीक है। एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, हम जब ट्रेनिंग करते हैं मसल बिल्डिंग करने के लिए, तो ट्रेनिंग के साथ साथ हमें यहाँ पे अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, और ख़ास तौर पे जब बात आती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, क्योंकि हम देखते हैं कि इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन प्रोटीन और बाकी मिनरल्स, विटामिन्स, वो बहुत कम आपको मिलते हैं। तो इसीलिए एक अच्छा मल्टीविटामिन ऐड करना हमेशा सही रहता है आपकी मसल रिकवरी के लिए। इसीलिए आई रिकमेंड फाइटिका वीटा 365, जो आपको काफ़ी सारे मिनरल्स और विटामिन्स की जो रिक्वायरमेंट है आपकी, वो पूरी करता है। फाइटिका वीटा 365 इज़ अ ब्लेंड ऑफ 20 इसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स अलॉन्ग विथ पावरफुल हर्ब्स जैसे कि अश्वगंधा, जिनसेंग, ग्रेप सीड, बायोटिन, प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। फाइटिका वीटा 365 इकलौता 3-in-1 मल्टीविटामिन है, जो आपको मसल रिकवरी में तो हेल्प करता ही है, साथ ही साथ आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर है अश्वगंधा, और उसके साथ साथ प्रोबायोटिक जो ब्लेंड है इसका, ये आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। सो इसको यूज़ करने के लिए आप एक टैबलेट आफ्टर मील ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट या लंच किसी के साथ भी, और इसको होल फूड्स के साथ साथ एज अ सप्लीमेंट आप कंसिडर करें। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आपको 90 डेज तक इसको यूज़ करना चाहिए। और अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, गो हैव अ लुक। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। सेकंड मिस्टेक आती है यहाँ पे बहुत बड़ी, वो है बीइंग इंपेशिएंट विद ट्रेनिंग। अब देखो, जब आप ट्रेनिंग करने आते हो ना, तो अपने आप को समझो कि आप बिगिनर लेवल पे हो अभी। बिगिनर लेवल का मतलब क्या होता है? 6 महीने, साल भर, कभी कभी 1 से 2 साल वाले भी बिगिनर ही होते हैं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग में कंसिस्टेंसी पहला पॉइंट नहीं देना आता, और उसके साथ साथ अगर ट्रेनिंग में कंसिस्टेंट है भी तो हाफ दिमाग से करते हैं। मतलब आधा दिमाग होता है, हाँ घर में मेरे को वो करना है, ये करना है, मेरे को उससे मिलने जाना है,
राइट, और आधे दिमाग से ट्रेनिंग करते हैं। मसल एंड माइंड कनेक्शन तभी बनेगा जब आप पूरे फोकस से, डेडिकेशन से उस एक्सरसाइज के फंक्शन को समझते हुए ट्रेनिंग करोगे। और ये करने के लिए आपको नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है, सीखना पड़ेगा मूवमेंट्स, मसल का फंक्शन क्या है। चेस्ट की एक्सरसाइज लगाते हुए आपको पता होना चाहिए कि मेरे पेक्टोरल मसल का काम है मेरे इस हाथ को यहाँ सेंटर लाइन की तरफ लेके आना। अब जब बार बार आप ये मूवमेंट करोगे फ्लाइज में, प्रेसेस में, तो आप कहोगे हाँ ये तो मैं फंक्शन कर रहा हूँ, तो वो दिमाग उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके मूवमेंट में भी आएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है नॉलेज के साथ आपको इंप्लीमेंट करना, ठीक है, और ये टाइम से आता है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। दूसरी चीज़, एज अ बिगिनर आपको ना ये भी समझ नहीं होगी कि सोरनेस और इंजरी में क्या अंतर है। यानी कि आपको सोरनेस हो रही है, आपको मसल में दर्द हो रहा है बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग, क्योंकि आपने मसल तोड़ा है, और आपको लगेगा अरे मेरे इंजरी हो गई, ठीक है। तो ये डिफरेंस जो है ये समझने में आपको वक्त लगता है, आपकी बॉडी कैसे रिकवर कर रही है, कितने दिन के रेस्ट के बाद आपकी बॉडी फुल फंक्शन करने लगती है, उतना ही वजन उठने लगता है विदाउट एनी सोरनेस, तो ये समझने में वक्त लगता है, 6 महीने, साल भर, 1.5-2 साल लग सकते हैं। तो अपने आप को टाइम दो, इम्पेशेंट मत बनो, साथ ही साथ उस पीरियड में आप फंक्शन लर्न करो एक्सरसाइजेस का। क्यों कर रहा हूँ मैं एक्सरसाइज, स्क्वाट कर रहा हूँ तो कौन से मसल्स हिट होंगे, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। देखो अनपढ़ता ना कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र में कहीं काम नहीं आने वाली है, पढ़ना पड़ेगा ही। जिम के अंदर वजन लोहा उठा रहे हैं फिर भी दिमाग लगाना पड़ेगा, तो अंडरस्टैंड मसल एंड माइंड कनेक्शन ऐसे डेवलप होता है। तीसरी और आखिरी मिस्टेक आती है, डूइंग द मूवमेंट्स फास्ट। अब देखो एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज करने का तरीका आपको समझ में आ गया है, मसल का फंक्शन भी समझ में आ गया है, लेकिन उस रेपिटेशन को जब आप तेज़ लगाते हो ना, तो मसल एंड माइंड कनेक्शन डेवलप करने की जो आप में एक चांस होता है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब रेंज ऑफ मोशन फास्ट लगती है ना, तो आपको मसल का फंक्शन बेटर समझ में नहीं आएगा। मसल का फंक्शन समझने के लिए, मूवमेंट समझने के लिए, बायोमैकेनिक्स समझने के लिए रेंज ऑफ मोशन को स्लो करना ही पड़ेगा। बेंच प्रेस जब आप लगा रहे हो या स्क्वाट लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, मोशन को जब आप फील करोगे धीरे धीरे मसल को, तब आपको समझ में आएगा ओ मेरा हाथ ऐसे नीचे जाता है, इतने स्ट्रेच में मेरे को फील अच्छा लगता है, एंड देन आई गो अप, तो इतने इतने पार्ट पे मेरे को कॉन्ट्रैक्शन पूरा मिल जाता है। तो ये कब होगा? जब मसल को धीरे धीरे रेंज ऑफ मोशन को पकड़ते हुए आप लगाओगे। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं, इसे कहते हैं टेम्पो स्लो करना, ठीक है, यानी कि टाइम अंडर टेंशन को बढ़ाना, TUT को बढ़ाना। इससे मसल की हाइपरट्रॉफी तो होती है, साथ ही साथ आप मसल एंड माइंड कनेक्शन को बेटर कर पाते हो, न्यूरल एक्टिवेशन, दिमाग आपका मसल के अंदर पहुंच पाता है धीरे धीरे करने से, समझ के करने से। अब इसके साथ साथ क्या होता है, आपके उस मूवमेंट में, उस एक्सरसाइज में जहां कहीं भी वीक लिंक्स होंगे, यानी कि आपके फॉर्म में जहां पे भी गड़बड़ होगी, टेक्निक में जहां पे भी गड़बड़ होगी, वो भी निकल के आती है, क्योंकि आप धीरे कर रहे हो। धीरे करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये वजन मेरी हैसियत से बाहर का है, आई शुड बी ड्रॉपिंग या वेट को कम करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर रेप रेंज के लिए। उसके साथ साथ आप जब मूवमेंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाथ मेरा कांप रहा है, या फिर हाथ मेरा टेढ़ा जा रहा है या सीधा जा रहा है। ये कब होगा? जब मोशन को स्लो लगाया जाएगा। फास्ट फास्ट करोगे तो पता ही नहीं चलता है, बस उस टाइम पे एम क्या होता है, वजन को जहां से उठाया था वहां वापस पहुंचाना। ऐसे ट्रेनिंग नहीं होती, ठीक है, यहाँ पे वजन को हिलाना नहीं है, वजन को सही तरीके से हिलाना है, सही मोशन में हिलाना है, सही प्लेन एक्सेस में हिलाना है, ताकि मसल हिट हो, ताकि मसल का फंक्शन हो, ठीक है। सो जब हम समझ के करेंगे तो ही मसल एंड माइंड कनेक्शन डेवलप होगा, ये तो तय है। इसके साथ साथ जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो अपने आप को वक्त भी दो, न्यूरल एक्टिवेशन डेवलप करने में खासतौर पर ट्रेनिंग में वक्त लगता है। क्यों? इतने सारे ओलंपिक लिफ्टर्स, राइट, ओलंपिक लिफ्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, स्नैच लगाते हैं जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आते हैं, उन लिफ्टर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ ड्रग टेस्टेड इवेंट में। तो क्यों वो लिफ्टर्स इतने सालों तक करने के बावजूद भी जब लिफ्ट परफॉर्म करते हैं तो फिर भी कोई ना कोई कमी रह जाती है? क्योंकि दीज मूवमेंट्स आर टफ, आपकी कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस के बावजूद भी ये मूवमेंट गलत हो सकते हैं, इनमें कमी हो सकती है, क्योंकि आप वेट के साथ ट्रेन कर रहे हो। जहाँ पे भी वजन इन्वॉल्व होगा ना, आपकी कैपेसिटी से बाहर का जब आप पुश करते हो तो प्रॉब्लम्स होती हैं। सो इसीलिए मसल एंड माइंड कनेक्शन को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, मूवमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, और कंसिस्टेंसी लंबे वक्त तक देना भी बहुत ज़रूरी है। अपने आप को वक्त दो, अभी आप बिगिनर हो, या फिर हो सकता है बिगिनर से बाहर निकल रहे हो, एक्सपर्ट बन गए मत सोचना। आजकल लोग जिम में जाते हैं, थोड़ी बॉडी बन जाती है, सोचते हैं कि बस हम एक्सपर्ट बन गए, अब हम सबको समझा सकते हैं, पढ़ना पड़ता है उसके लिए, ठीक है, यूट्यूब से नहीं, मतलब किताबें पढ़नी पड़ती है, यूट्यूब से भी पढ़ो, इट्स वन ऑफ द सोर्स, बट मेन सोर्सेस किताबें हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, लोगों से, कोचेस से लर्न करो, टीचर्स से लर्न करो। तो ये आपकी लर्निंग जो है हर सोर्स से आनी चाहिए, क्रॉस वेरीफाई एवरीथिंग।
ऑलराइट। तो मसल एंड माइंड कनेक्शन से रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। देखो माइंड की बात आई ना, तो इसीलिए मैंने थोड़ी ज्ञान की बातें भी कर दी यहाँ पे कि क्या जरूरी होता है। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करना एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको इस तरीके से और कौन से वीडियोस देखने हैं। ऑलराइट, आई विल सी यू सून, टेक केयर, जीत सलाल, बाय बाय।